दोस्तों नमस्कार। देखिए बहुत चर्चा हो रही है इस समय कि तीसरी वेव आने वाली है, थर्ड वेव बहुत भयंकर होगी, पहली और दूसरी से ज्यादा खतरनाक होगी, बच्चों को खास तौर पर नुकसान पहुंचाएगी। आइए जरा हम समझाते हैं आपको कि कैसे आएगी थर्ड वेव, आएगी कि नहीं आएगी, और आएगी तो कैसे आएगी, कब आएगी और किसको नुकसान ज्यादा पहुंचाएगी। सबसे पहले तो ये जान लीजिए आप कि हमारे देश में पहली वेव आ चुकी है, बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी हमने। दूसरी वेव हमें उम्मीद नहीं थी, एक्चुअली वो अचानक आ गई, वो ऐसे ही आ गई कि हम भूल जाएं कि आज हमने पार्टी रखी है और 100 दोस्त आपके सामने आ जाएं, भाई पार्टी को बुलाया था तुमने, कहां है पार्टी। वो वैसी कुछ हालत हो गई थी कि वो आप भी भूल गए और आपकी मैडम भी भूल गई और पार्टी वाले आ गए दोस्त लोग, तो वो इस कुछ इस तरह की बात हो गई थी। तैयारी हमारी थी नहीं, सोचा हमने था नहीं, विचार किया नहीं था। हम तो ये मान बैठे थे 2021 जैसे ही शुरू हुआ, केसेस बहुत कम थे, वैक्सीनेशन का लॉन्चिंग हो चुकी थी बड़े पैमाने पर, इंडिया की जो है वो पूरे देश में पूरी दुनिया में प्रतिष्ठा कायम हो चुकी थी कि भारत जैसे देश ने भाई दो दो वैक्सीन बना ली हैं, और लॉन्चिंग का ग्रैंड लॉन्चिंग हुई 16 जनवरी को। और उसके बाद क्या हुआ, फिर आप जानते हैं हमारे देश में कि जरा सा सावधानी हटी नहीं, दुर्घटना घटी, तो लोग भी लापरवाह हो गए थे कि अब कहां केसेस आ रहे, कुछ केसेस नहीं बचे, छोटे मोटे केसेस आए, अब थोड़ी होगा हमको कोरोना। वैक्सीनेशन में कुछ ऐसा हुआ लॉन्चिंग के बाद कि लोगों का इंटरेस्ट कम रहा, जिस स्पीड से और जिस स्पेस जिस पेस से वैक्सीनेशन प्रोग्राम होना चाहिए था वो हुआ नहीं, तो मिल गया स्पेस कोरोना को, और स्पेस मिलता है कोरोना तो छोड़ता नहीं है, वो इसी ताक में था। एक्चुअली कोरोना का जो पूरा जीवन है वो हमारे आपके जीवन पर निर्भर करता है, हम उसे न्योता देंगे तो दावत खाएगा, हम न्योता नहीं देंगे तो दावत कहां से खाएगा। कोरोना कभी डेड बॉडी में जिंदा नहीं रहता, जिनके साथ मर गया वो तो मर गया, डेड बॉडी जैसे ही मृत्यु होती है 4 घंटे बाद कोरोना कहीं नहीं बचता, हर बॉडी सिक्रीशन में, हर बॉडी सरफेस पे डेड बॉडी के 4 घंटे के अंदर कोरोना खत्म। उसको चाहिए, देखिए शेर की तरह है वो, शेर ना वो मरा हुआ मांस नहीं खाता, वो मार के मांस खाता है, जिंदा चाहिए उसको आदमी या जो भी शिकार है उसका। कोरोना को भी जिंदा शिकार चाहिए, लाइव ह्यूमन बींग्स चाहिए, और कौन से लोग चाहिए, वो तो जुगाड़ में है, मास्क नीचे कोरोना अंदर, बस आपने मास्क नीचा नहीं, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, सावधानी हटी दुर्घटना घटी में तो तब भी कोई संभावना है कि भाई हो सकती है, लेकिन इसमें तो गारंटी है, आपने 2 गज की दूरी नहीं बनाई हो गया कोरोना, आपने जो है वो बीच में हाथ धोना भूल गए हो गया कोरोना, आपने बहुत दिनों बाद मिले थे लॉकडाउन के बाद और मिले तो एकदम आदत होती ना हाथ मिलाइए हाथ मिलाइए, अब 15 मिनट तक हाथ मिलाए पड़े हैं जैसे कुछ लोग पुराने कुंभ में बिछड़े थे, मिलाए पड़े हैं, तो इधर का वायरस उधर, उधर का वायरस इधर, इधर का बैक्टीरिया उधर, उधर का बैक्टीरिया इधर, सब हो गया ट्रांसफर, तो आपने कर लिया ट्रांसफर। इसीलिए भारत के ऋषि मनीषी बड़े विद्वान थे, उन्होंने हाथ मिलाने का सिस्टम ही नहीं रखा। आप देखिए कैसे करते हैं भारत, नमस्कार, गांव में चले जाइए भैया राम राम, भैया सलाम दुआ सलाम, और मिलने शहरों में आइए तो नमस्ते, यही था हमारा। और कोरोना ने हमें दोबारा नमस्ते पर लौटा दिया, नमस्ते पर ही रहना है, गलती से अभी शेक हैंड नहीं करना है, हाथ नहीं मिलाना है। और जो हमारा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है कि भाई संक्रमित कहते ना, कोरोना 3 तरह से फैलता है, संक्रमित व्यक्ति से, तो संक्रमित व्यक्ति से ना पहले तो व्यक्ति से 2 गज की दूरी बनाए रखिए। अब संक्रमित व्यक्ति कौन है नहीं कौन है उसके माथे पर तो लिखा नहीं है, तो हर व्यक्ति को आप संक्रमित व्यक्ति मानिए, 2 गज की दूरी बनाए रखिए, संक्रमित व्यक्ति समझ गए। संक्रमित वायु से, जब कोई संक्रमित व्यक्ति खांसता है तो 2 से 3 घंटे वायु में संक्रमण फैला रह सकता है, तो उसके बचने के लिए मास्क, बाहर निकलिए मास्क लगा लीजिए। आप मानिए कि जिस हवा में आप गुजर रहे हैं, जो सांस आप ले रहे हैं वो संक्रमित सांस है, मास्क लगाए रहेंगे बचे रहेंगे, मास्क नीचे कोरोना अंदर। तीसरा, संक्रमित वस्तु से, अब संक्रमित वस्तु होते हैं, आप दिन भर हाथों से फाइल छूते हैं, टेबल छूते हैं, लैपटॉप छूते हैं, कंप्यूटर छूते हैं, तो संक्रमित वस्तु से बचना है तो हाथ धोते रहिए। तो ये 4 चीजें आपको करना है, मिलने पे नमस्ते, 2 गज की दूरी, बाहर निकलने पर मास्क लगाना, हाथ धोते रहना। अब ये सब अगर आप करते रहेंगे और प्लस टीका लगवाते रहेंगे तो पहली बात नोट करिए जो आपको किसी ने नहीं बताया, थर्ड वेव आएगी ही नहीं। जी हाँ, बहुत ताज्जुब हो रहा है ना आपको सुनके, खुशी भी हो रही होगी, मन में लड्डू भी फूट रहे होंगे, लेकिन मैंने क्या कहा, इसके लिए 2 शर्तें हैं हमारी। एक, टीकाकरण प्रभावी ढंग से हो, सरकार की तरफ से स्पीड बढ़े और ज्यादा से ज्यादा लोगों का टीकाकरण हो, और दूसरा, आप सावधानी ना हटाएं, तभी संभव है तीसरी वेव आएगी नहीं।
और आप जरा सी सावधानी हटाएंगे, गड़बड़ी करेंगे, टीका में ढिलाई देंगे, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो हमारा होना चाहिए उसमें ढिलाई देंगे, तो आएगी लेकिन थोड़ी कम आएगी। अब आप बिल्कुल निरंकुश हो जाए, अनुशासनहीन हो जाए, तो तीसरी वेव आएगी, बहुत बड़ी वाली आएगी। तो आप पे निर्भर है कि आएगी कि नहीं आएगी, आएगी तो कितनी बड़ी आएगी, ये सब हम और आप पे निर्भर है। हमारा आपका अगर आगे तीन चार महीना अनुशासन भरा जीवन रहता है, हम अनुशासन में रहते हैं, भीड़ से बचते हैं, हम बाकायदा जो हमारे कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के मंत्र हैं चारों, वो अगर अपनाते रहते हैं तो पहली तो थर्ड वेव आएगी नहीं। लोग कह रहे हैं कि सितंबर अक्टूबर नवंबर इन्हीं तीन में से कोई महीने में आ सकती है, अगस्त के लास्ट में भी आ सकती है, लेकिन लेकिन आप जान लीजिए कि अगर आप अनुशासन प्रिय हैं तो नहीं आएगी। अब दूसरा प्रश्न उठता है, आएगी बच्चों को बहुत प्रभावित करेगी, क्यों भाई थर्ड वेव में कोई उसका पीडियाट्रिक स्ट्रेन आ रहा है क्या? अरे भाई पहले वेव में बच्चे कम इफेक्ट हुए, दूसरी वेव में इतने केसेस आए, 4 लाख से ऊपर केसेस पर डे आ गए अप्रैल के लास्ट और मई के फर्स्ट वीक में, तब भी बच्चे कम केसेस हुए, तो अब ऐसा क्या थर्ड वेव में है जो बच्चे? हाँ, एक तर्क किया जाता है कि साहब बच्चों का टीकाकरण, तो वो भी बच्चों को हम खुशखबरी बता देते हैं, बच्चों का टीका भी तैयारी की प्रक्रिया में है, वो भी जल्दी आने वाला है। और सुनिए, जिनको सुई से डर लगता है उनके लिए भी खुशखबरी है मेरे पास, इंट्रानेजल वैक्सीन आने वाली, नाक में स्प्रे करिए आप बिल्कुल एकदम धड़ल्ले से वैक्सीनेटेड हो गए, तो दो दो खुशखबरियां बताई मैंने आपको। तो हमारे ऊपर आपके ऊपर निर्भर करता है कि थर्ड वेव आएगी नहीं आएगी, आएगी तो कितनी गंभीर आएगी, और बच्चों के लिए निश्चिंत रहिए, बच्चे निश्चिंत रहे, लेकिन हां 3-4 महीनों के लिए बच्चों के लिए एक मैं काम बता देता हूं। देखिए बच्चे जब तक वैक्सीन नहीं आती तब तक अपने को मजबूत होना पड़ेगा, बच्चों को मजबूत होना पड़ेगा, इम्यूनिटी अपनी बढ़ानी पड़ेगी। अभी 3-4 महीने का समय है, आप इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं? 3 खाने में सफेद चीजें खूब खाएं और 3 सफेद चीजें ना खाएं, आपकी हो गई जबरदस्त इम्यूनिटी। बहुत ज्यादा डाइट वाइट प्लान ये सब चक्कर में मत पड़ो। क्या कहना है डॉक्टर सूर्यकांत का? मेरा कहना है 3 सफेद चीजें, दूध, दही, मट्ठा। अब कई बच्चे मट्ठा जानते नहीं है, तो भाई जान लीजिए छाछ इसको कहते हैं, ये खूब खाइए, खूब पीजिए, और 3 सफेद चीजों से दूर रहिए। कौन सी? सफेद चीनी, सफेद नमक और सफेद मैदा। अब आप कहेंगे कि डॉक्टर सूर्यकांत ने कोई अल्टरनेटिव तो नहीं दिया, ये 3 चीजें ना खाएं तो फिर क्या खाएं? दोस्तों मजा आएगा अगर बच्चे चीनी की जगह गुड़ खाने लगे। गुड़ इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ आयरन, आयरन भी होता है, मिनरल्स भी होते हैं, विटामिन भी होते हैं, सब होते हैं गुड़ में, और जबरदस्त ताकत आती है। जी हां बिल्कुल, हनुमान जी वाली ताकत आती है। तो गुड़ खाने लगे उसकी जगह। दूसरा, सफेद नमक ना खाएं तो कौन सा नमक खाएं? तो सफेद नमक से अगर आप बचना चाहते हैं, खासतौर पर आजकल देखिए बच्चों की जो खान पान है उसमें नमक बहुत ज्यादा होता है, तो सेंधा नमक का इस्तेमाल करिए उसकी जगह, और सफेद मैदा की जगह आप आटे का इस्तेमाल करिए, वो अच्छा हो तो मल्टीग्रेन आटे का इस्तेमाल करिए, बहुत अच्छा रहेगा। अब इस चीज के अलावा, और ये केवल बच्चों के लिए नहीं है, जिसको इम्यूनिटी बढ़ानी है वो अपना ये सब खा सकता है, सब सबके लिए है। तो तीसरी लहर से बचना है, इम्यूनिटी बढ़ानी है, क्या करना है? 3 सफेद चीजें ज्यादा खानी है, 3 सफेद चीजें कम खानी। हाँ, जिनको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, वो जरा दूध में से बार बार गर्म करके मलाई निकाल के ही खाएंगे तो ठीक रहेगा उनके लिए, नहीं तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है। बच्चों के साथ ये समस्या है। जो बाकी लोग भी हैं और बच्चे भी हैं, तो 24 घंटे में एक हरी सब्जी जरूर खाएं, एक हरी सब्जी, एक मंथ मान लीजिए, एक हरी सब्जी जरूर खाएं और एक कोई मौसम का फल जरूर। अब देखिए मैंने बहुत कोई लंबा चौड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोटोकॉल डाइट और इम्यूनिटी का नहीं बनाया है, बहुत सिंपल है। 3 सफेद चीज खानी है, 3 सफेद नहीं खानी है, गुड़ खाना है उसकी जगह, मल्टीग्रेन आटे का इस्तेमाल करना है, और सफेद नमक की जगह सेंधा नमक खाना है, और क्या करना है? एक हरी सब्जी, कोई जो आपकी पसंद की सब्जी हो आप बदल बदल के खा सकते हैं, एक दाल जरूर खानी है, एक सब्जी जरूर खानी है, और एक मौसमी फल जरूर खाना है। हो गया आपका बैलेंस डाइट। बहुत सीधा, आपने देखा होगा बहुत लंबा चौड़ा डाइटिशियन प्लान, ये प्लान वो, उसकी कोई जरूरत नहीं, बहुत ज्यादा दिमाग मत इस्तेमाल करिए, सिंपल सिंपल, एक हरी सब्जी, एक कोई मौसम का फल और एक कोई दाल, जो भी दाल आपको पसंद है। अब लोग फल, हम जैसे कहते हैं लोग एकदम सेब पे दिमाग पहुंच जाता है, जरूरी नहीं सेब खाएं, जो मौसम का फल है, इसमें आप खीरा खा सकते हैं, खरबूजा खा सकते हैं, तरबूज खा सकते हैं, आम आने वाले हैं आम खा सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं। और ये
इसमें कोई बहुत ज्यादा फाइनेंसिस भी इन्वॉल्व नहीं है, बहुत महंगा मैंने कोई डाइट प्लान नहीं बताया। आप शहर का बड़ा आदमी, छोटा आदमी, गरीब आदमी, सब कोई कर सकता है। आपके गांव में जो फल मिल रहा है, जो आपके खेत में सामने सब्जी लगी हुई है, लौकी लगी तो ठीक, परवल लगा तो ठीक, तुरई लगी तो ठीक, कद्दू लगा तो ठीक, पालक लगा तो ठीक, जो लगी वो खा लीजिए, क्या दिक्कत है, बदल बदल के खाते रहिए, तो आपकी इम्यूनिटी अच्छी हो जाएगी। आधा घंटा आप अपने शरीर के लिए एक्सरसाइज के लिए निकाल लीजिए। एक्सरसाइज माने कोई भी एक्सरसाइज, आप योग कर सकते हैं, आसन कर सकते हैं, वॉकिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज, वॉक कर सकते हैं। कुछ लोग मोबाइल से भी हैं तो 10,000 स्टेप्स का उसमें एक टारगेट लगा लें किसी भी हेल्दी ऐप में और 10,000 स्टेप रात तक कर लीजिए। कोई जरूरी नहीं आप मॉर्निंग वॉक करें। अभी एक स्टडी पब्लिश हुई है, वो तो कहते हैं शाम की वॉक से ज्यादा फायदा होता है, तो आप मॉर्निंग वॉक करें, चाहे आफ्टरनून वॉक करें, इवनिंग वॉक करें, नाइट वॉक करें, कोई वॉक, वॉक वॉक है, हाथ पैर से ही की जाएगी, कैलोरी उसमें बर्न होंगी, जो मसल्स हैं आपकी वो मजबूत होंगी, सर्कुलेशन आपका बढ़ेगा, करते रहिए। और क्या मजबूत कर लें, और मजबूत कर लें फेफड़ा। फेफड़ा कैसे, दो चीजों से मजबूत होता है, हमने आपको बता ही रखा है, एक स्टीम लेने से, स्टीम को हम कहते हैं फेफड़े का झाड़ू पहुंचा, और दूसरा प्राणायाम करने से। प्राणायाम में भी बहुत वो नहीं कि ये नाक बंद करिए, ये नाक दबा दीजिए, अरे गहरी सांस लीजिए, थोड़ी देर रोकिए, छोड़ दीजिए, हो गया प्राणायाम। प्राणों का आयाम, एक्सटेंशन ऑफ दी ब्रीदिंग। नॉर्मल जो सांस लेते हैं वो हम आधा लीटर सांस लेते हैं, गहरी सांस लेते हैं तो 1.5 से 2 लीटर सांस ले लेते हैं। उसमें क्या होता है, जो जैसे बंद अकल का ताला खुल जाता है, उसी तरह सांस में जो बंद एल्वुलाई है वो सब खुल जाते हैं, फेफड़े की ताकत बढ़ जाती है, फेफड़े की इम्यूनिटी बढ़ जाती है, फेफड़े का स्टेमिना बढ़ जाता है, रेस्पिरेशन की जो मसल्स हैं वो मजबूत हो जाती हैं प्राणायाम करने से, और जो आपके लंग की ऑक्सीजन स्टोरेज या ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। यही तो चाहिए। कोरोना किस पे हमला कर रहा है, फेफड़े पे ही कर रहा है। पहले से फेफड़ा मजबूत रखो, जनरल इम्यूनिटी मजबूत कर रखो बस, और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाओ, थर्ड वेव आएगी नहीं। तो थर्ड वेव को अगर रोकना चाहते हैं तो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाते रहिए, अनुशासन रखिए, डाइट और इम्यूनिटी जैसा मैंने बताया वैसा प्लान रखिए। 3 महीने का टाइम है ये, हाँ रातों रात इम्यूनिटी नहीं बढ़ती, ये मत सोच लेना कि अक्टूबर में सुबह काढ़ा बड़ो पी लोगे और शाम को इम्यूनिटी हो जाएगी, या हरी सब्जी उस दिन खा लोगे या फल खा लोगे तो इम्यूनिटी हो जाएगी, नहीं होगी, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो अभी 3-4 महीने हैं, आराम से आप इम्यूनिटी बढ़ाइए, और क्या करिए, टीका जरूर लगवाइए। हमारे देश में देखिए, अभी इसराइल एक कंट्री है, उसने पूरी तरह से कोरोना मुक्त कर दिया अपने को, कैसे 81% जनसंख्या का टीकाकरण हो गया। हमारी जनसंख्या तो बहुत है, हमें कम से कम 90 करोड़ लोगों का टीकाकरण करवाना, उसके लिए कितनी डोज लगनी है, 180 करोड़, अभी कितनी लगी है, 21 करोड़, तो बहुत डोज बाकी है, 159 करोड़ अभी डोज बाकी है। तो ये कैसे लगेंगी, ये ऐसे लगेंगी जब भी हमें मौका मिले, जहां से भी मिले, सब लोगों को टीका, जिसका जिसका घर में रह गया है, मोहल्ले में रह गया है, परिवार में रह गया है, रिश्तेदारों में रह गया है, दोस्तों का रह गया है, अपने गांव में रह गया है, शहर में रह गया है, कस्बे में रह गया है, जिसका जिसका रह गया है, सबका बुलाइए, पूछिए एक एक से टीका लगवाया कि नहीं, भैया लगवा लो, भैया लगवा लो, और अनुशासन में रहिए, तो हो सकता है कि थर्ड वेव आए ही ना, और आए तो पता ही नहीं चले, आई और चली गई, जैसे कोई आता ना दरवाजे पे खटखटाया, खट खट खट, आपने जब तक दरवाजा खोला गए, हो सकता है ऐसा भी आए, कोरोना दस्तक दे तीसरी वेव में और उसके बाद चला जाए, अरे भाई यहां तो सबको वैक्सीनेटेड है, सबने इम्यूनिटी कर रखी है, सबके फेफड़े बड़े मजबूत हैं, ताकत वाले हो गए हैं सब लोग, तो हो सकता है कोरोना कुछ बिगाड़ ही ना पाए आपका। और बच्चों के लिए एक और जरूरी चीज मैं बता दूं, कोरोना किससे फैलता है, ACE2 रिसेप्टर के माध्यम से फैलता है, और मैं आपको बता दूं बच्चों का, खासतौर पर 12 साल से जो नीचे बच्चे हैं उनका अभी डेवलपमेंट पूरा नहीं हो पाया है, तो डेवलपमेंट पूरा नहीं हो पाया है तो ACE2 रिसेप्टर भी पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाए हैं, संख्या उनकी बहुत कम है, तो कोरोना को जब ACE2 रिसेप्टर ही नहीं मिलेंगे, ACE2 ACE2 रिसेप्टर कहलाते हैं, जब ACE2 रिसेप्टर नहीं मिलेंगे तो बच्चों को कहां शिकार बना पाएगा, और यही कारण है कि पहली वेव में, दूसरी वेव में बच्चे कम प्रभावित हुए। आप निश्चिंत रहिए, बच्चे मस्त रहें, और सुनो मनपसंद की चीजें खाओ, लेकिन जो मैंने बताया, एक फल, एक हरी सब्जी, दाल, और एक 3 में से 1 व्हाइट प्रोडक्ट ये जरूर दिन में लें, और बड़ों की सेवा करें, बुजुर्गों की सेवा करें, बीमारों की सेवा करें, मम्मी पापा का कहना माने, थोड़ा बहुत मम्मी को तंग कर सकते हो, हर बच्चा करता है, लेकिन भाई ज्यादा तंग मत करना, मम्मी भी परेशान है आजकल, तो और बाकी अनुशासन में रहें, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर में रहें, और बोर्ड वालों की तो बल्ले बल्ले है भाई, हाई स्कूल में बिना एग्जाम दिए पास हो गए, इंटर में बिना, अरे भाई मोदी जी की जय जय बोलो, और क्या, मस्त रहो, अब पढ़ने का टेंशन नहीं, ये तो बॉडी बना लो, इम्यूनिटी बना लो, ये सब करो, और क्या करना है, बस मस्त रहो, चुस्त रहो, दुरुस्त रहो, और कोरोना फ्री कर दो इस देश को। आपकी भूमिका बहुत बड़ी है, क्योंकि आपके पास टीका नहीं है अभी, इसलिए आपको अपनी इम्यूनिटी ज्यादा बढ़ानी है,
आपको अपने को भी बचाना है, बुजुर्गों को भी बचाना है, घर के बुजुर्ग बीमार लोगों को भी बचाना है, सबको बचाना है, सबको चिंता करनी है। और जो मन में आता है करिए, बड़ो घर परिवार के अंदर डांस करके दिखाइए, गाना गा के दिखाइए, पेंटिंग करके दिखाइए, मिमिक्री करके दिखाइए, जो कर सकते हैं। बर्तन मत तोड़ देना, शीशे मत तोड़ देना, बाकी सब करते रहिए कि भाई सूर्यकांत अंकल ने कहा है जो चाहो सो करो, तो हमारा तुम्हारा आज शीशा तोड़ने का है, शीशा ऐसा नहीं मैंने कहा है। आप सब स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, देश को जल्दी से कोरोना मुक्त बनाइए। नमस्कार।